Hey, what's up, guys? So, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स, एकदम फास्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है। और ये मैंने लिया है वही आपके पास जो है 200 रुपए वाला कैलकुलेटर, तो बस आपको ये लेके बैठना है मेरे साथ फटाफट, थोड़ा टाइम देना है, स्पीड पे आप वॉच कर लेना इफ इफ यू डोंट हैव टाइम। एंड ये रही वो नोट्स जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड इट। एंड कोई भी आपका एग्जाम हो, यू विल गेट फास्ट लेवल कैलकुलेशन यूजिंग दिस। ठीक है, मैंने एक एक का कैलकुलेशन कैसे करना है वो यहां पे लिख दिया है, आपको खाली उसको फॉलो करना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। चलो आ जाओ, स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला जो है अपना वो है एम प्लस, आई एम श्योर आप लोग को ये पता होगा बट फिर भी एक बार बता देता हूं। सो 17 × 8 प्लस 13 × 5 प्लस 14 × 7 करना है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू 17 × 8। मैंने ना ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, तो इवन तो आपको मेरे कैलकुलेटर पे शायद नहीं दिख रहा है बट बिकॉज मेरे यहाँ पे चीजें लिखी हुई है ना, एक एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है, उससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो 17 × 8 मैं एम प्लस कर रहा हूँ, 13 × 5 एम प्लस कर रहा हूँ एंड 14 × 7 एम प्लस कर रहा हूँ। एंड वो करने के बाद मेरे को इमीडिएटली क्लिक करना है एमआरसी मेमोरी रिकॉल, आई विल गेट 299। तो ऐसे ही मैंने सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज है ये छोटे से बिचारे कैलकुलेटर के ऊपर और उसमें हाई लेवल फंडास सब चीज मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी है। ठीक है, तो इसके बाद आपको एज सच मेरे हिसाब से और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो दैट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सेकेंड है एम माइनस, तो से अभी मेरे को यहां पे बोला है भाई 17 × 8 करना है बट -13 × 5, फिर +14 × 7, फिर -16 × 3, तो मैं ऐसे सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशंस करूंगा। सो दैट इज वेर वी विल डू दिस 17 × 8, इसको मैं डाल दूंगा एम प्लस में एंड 13 × 5 जो मुझे करना है दैट आई विल पुट इन एम माइनस। तो कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट वो जो 65 आ रहा है उसको माइनस में ले लेगा। 14 × 7 अगेन एम प्लस एंड 16 × 3 विल अगेन बी एम माइनस एंड यू डू मेमोरी रिकॉल, आपको आ जाएगा 121। ये देखो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी तभी हो जाएगा। फिर बाद में आता है नेक्स्ट, अब एकदम सिंपल सी चीज है, मेरे को करना है 1/50, तो मैं क्या करता हूँ 1/50, नहीं अब ऐसे नहीं करना है अपने को, अब क्या करना है अपने को 50 लिखना है, डिवाइड इक्वल टू, जैसे ही आप 50 को डिवाइड इक्वल टू करते हो द फंक्शन इज 1/50। ये 1/50 करो, 50 डिवाइड इक्वल टू करो, दो फंक्शन यूज कर रहे हो आप चलेगा, बट जब लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा कैलकुलेशन करना हो जैसे नेक्स्ट वाला तब ये बहुत काम आएगा। अब मेरे को करना है 1/55 -1/50 द होल डिवाइड बाय 1/50, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले 1/50 ऐसे करता था अब नहीं, अब मैं करूंगा 50 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, तो मैंने 1/50 50 डिवाइड इक्वल टू करके एम प्लस में स्टोर कर दिया है। राइट, अब आ रहा है नेक्स्ट 55 डिवाइड इक्वल टू, वो मैं करूंगा माइनस -1/50 अब नहीं करूंगा, अब मैं मेमोरी रिकॉल करवाऊंगा कि भाई मेमोरी में मेरा ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, सो माइनस क्लिक करके मैं करूंगा मेमोरी रिकॉल, तो देखो इधर 0.02 आ गया विच इज 1/50, इसको मेरे को डिवाइड करवाना है 0 1/50 के साथ, वापस से मेमोरी रिकॉल करवाऊंगा एंड आई विल गेट द आंसर 0.0909। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइज? सो दिस इज हाउ इट विल बिकम वेरी वेरी यूजफुल। 7 स्क्वायर, तो 7 × 7 कर सकते हैं बराबर है, बट अगर अभी बहुत सारे डिजिट्स हो तो आप क्या करोगे, तो 7 × इक्वल टू आपने किया तो हो जाता है 49, मतलब 7 स्क्वायर हो गया। वापस से एक इक्वल टू दबाओगे तो 7³, वापस से एक इक्वल टू दबाओगे 7^4, वापस से एक इक्वल टू दबाओगे 7^5। अब 7^4 करना है तो आप और एक चीज कर सकते हो, 7 × इक्वल टू एंड वापस × इक्वल टू करने से वो स्क्वायर करता है एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। फिर और एक अगर आपको करना है, तो 7^5 हुआ तो आप 7 × इक्वल टू कर सकते हो, तो 7^4 हो गया, और एक बार इक्वल टू कर लो तो 5^4 हो गया एंड आपका काम हो जाएगा। गॉट इट? अब 7² × 9² कैसे करोगे, तो आप 7 × 9 कर लोगे, × इक्वल टू कर लो तो 7 × 9 हो गया,
उसका द होल स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर भी आ गया, 9 स्क्वायर भी आ गया, समझ में आया? सो दिस ऑल्सो कैन बी यूज. अब इसको यूज, ये भाई 8 वाला इजी था शायद आपको बताओ, बट इसका यूज किधर आता है? ऐसे टाइप के कोई स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना हो, 0.7 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर इंटू 14 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 इंटू 0.7 इंटू 0.3. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, 0.7 इंटू 9 इंटू इक्वल टू, तो इसने 0.7 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर कर दिया, फिर 0.3 इंटू 14 इंटू इक्वल टू, सो ये एम प्लस में डाल दिया अपन ने, डाला कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, वापस कर लेते हैं, 0.7 इंटू 9 इंटू इक्वल टू, ये मैंने एम प्लस में डाल दिया, 0.3 इंटू 14 इंटू इक्वल टू, ये भी मैंने एम प्लस में डाल दिया, और फिर बाद में 2 इंटू 16 इंटू 0.7 इंटू 0.3 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल मैं करता हूं एंड आई विल गेट माई आंसर. और फिर बाद में इसका अगर रूट करना है तो मैं रूट पे क्लिक करूंगा, आई विल गेट द आंसर फॉर रूट एज वेल. नेक्स्ट समझो, ऐसा कोई कैलकुलेशन आता है, नंबर दो तीन एडिशन डिवाइड बाय नंबर दो तीन एडिशन, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो नंबर दिख रहा है 126.98 प्लस 144.25 उसको एम प्लस में डाल दो, तो वो इधर मेरा एम प्लस में स्टोर हो गया. नीचे वाला तीनों ऐड करो और फिर बाद में उसको डिवाइड इक्वल टू करो, सो 167.5, तो 167.5.5 प्लस से 126.98 प्लस 288.5 ये इक्वल टू आ गया. अब इसको डिवाइड इक्वल टू करिए, ठीक है, तो वो ऊपर चले गया मल्टीप्लाई बाय जो आपने एम प्लस में रखा था, और तो अब उसको रिकॉल करना है एंड यू विल गेट द आंसर. सो यहां पे देखो एक बार, राइट, सो ये डिवाइड इक्वल टू ऐसी जगह पे भी यूज आ सकता है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अब मेरे को इतना बड़ा जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, ऑल आई नीड इज अ कैलकुलेटर, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा. फिर बाद में इधर देखो, 1/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, सो इसमें भी आप यूज कर सकते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक एवरीथिंग इन कॉमन, तो मैं ये 1/3 स्क्वायर को कॉमन में रख सकता हूं. सो नाउ 1/3 स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, तो 1/3 स्क्वायर को मत छेड़ो, बाकी सब कर लो. तो 4 स्क्वायर कैसे करते हैं अपन लोग, 4 इंटू इक्वल टू एम प्लस में डाल दिया उसको, फिर बाद में 6 स्क्वायर दिख रहा है, 6 इंटू इक्वल टू एम प्लस में डाल दिया, फिर बाद में 2 इंटू 16 दिख रहा है, 2 इंटू 16 एम प्लस में डाल दिया, तो ये मेरा पूरा हो गया, मेमोरी रिकॉल कर दिया, तो तीनों ऐड हो गए, तो मेरा इधर तक काम हो गया. अब 1/3 स्क्वायर कॉमन था सब में, सो नाउ आई कैन डू डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 9 एंड फिर बाद में उसको मैंने रूट कर दिया, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है. सो दैट इज हाउ व्हाट यू कैन डू, कि यहां पे अगर आपको कुछ कॉमन में दिख रहा है, जैसे कि आपको यहां पे ये कॉमन में दिखा, तो वो कॉमन में उसको कर दो, साइड पे रख दो, बाकी पूरा का पूरा सॉल्व कर दो. लास्ट में जो कॉमन है मल्टीप्लाई बाय 1/3 स्क्वायर, मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 1/9 कॉमन है, तो लास्ट में उसको एमआरसी मेमोरी रिकॉल करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 1/9 कर दो, तो वो तीनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और फिर बाद में जो ओवरऑल रूट करना है दैट यू कैन डू एंड यू विल गेट द आंसर. फिर बाद में आता है नेक्स्ट के ऊपर, दिस इज द टिपिकल फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए जो अपन यूज करते हैं, तो इसे 1.1 डिवाइड बाय 1.15 रेज टू 7 करना है, सो अपन क्या करते हैं 1 डिवाइड बाय 1.15 एक बार इक्वल टू, दो बार इक्वल टू, जितनी बार आप इक्वल टू करोगे उतनी बार आपको उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू मिलते जाएगा. सो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको मिलते जाएगा, एंड से फॉर एग्जांपल मैंने 7 टाइम्स प्रेस किया इक्वल टू, तो 7th वाला दिख जाएगा मेरे को, पूरा 1 से 7 तक का पूरा टोटल चाहिए, तो आई कैन प्रेस ऑन GT विच इज कॉल्ड एज द ग्रैंड टोटल. तो अगर मैं ग्रैंड टोटल पे क्लिक करूंगा तो मेरे को वो 1.15 रेस टू 1, 2, 3, 7 तक जितना भी आया है टोटल मिल जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यहां पे अगर मेरे को बताना है तो 1.15 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, तो मैंने ऐसा 7 बार कर लिया, करेक्ट. तो मेरे को ये 7th टाइम का अगर चाहिए तो 0.3759 दिख रहा है इधर मेरे को, और मेरे को टोटल चाहिए तो मैंने GT पे क्लिक किया तो मेरा आ गया 4.1604 विच इज व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग हियर. फिर बाद में आते हैं 13th के ऊपर. नाउ दिस इज वेयर द मेजॉरिटी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आते हैं, ये भी अपन लोग ने यहां से ही कर लिया है, समझ लेना. 8000 डिवाइड बाय 1.15,
प्लस 12,000 डिवाइड बाय 1.15 स्क्वायर, 15,000 डिवाइड बाय 1.15 क्यूब, 11,000 डिवाइड बाय 1.15 फोर। सो ये सारी चीजें आप एक कैलकुलेटर पे, ये पूरा कैलकुलेशन आपको जो दिख रहा है विल बी ऑन द कैलकुलेटर इटसेल्फ। 1.1 डिवाइड बाय 1.15 है मेरा, उसको करके इक्वल टू करके एम प्लस में डाल दो, बट बिकॉज 8,000 भी है तो 1 डिवाइड बाय 1.15 इनटू 8,000 ये अपन लोग ने किया, इक्वल टू दबा के एम प्लस, इक्वल टू दबा के एम प्लस इसलिए ताकि वो खाली 8,000 को एम प्लस में ना ले, तो इसलिए इक्वल टू दबा के एम प्लस मैंने ले लिया। फिर वापस से 1.15 दिख रहा है इधर अपने को, स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 12,000, सो 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू बराबर है, बट दो बार है तो अपन लोग कहना इसे इनटू इक्वल टू करते हैं, सो इधर इक्वल टू ना करके मैं क्या करूंगा, इनटू इक्वल टू करूंगा मल्टीप्लाई बाय 12,000। मैंने क्या किया, दो बार इक्वल टू दबाया, उसके जगह इनटू इक्वल टू किया तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 12,000 करूंगा मैं, आई विल क्लिक ऑन एम प्लस अगेन। फिर बाद में 1 डिवाइड बाय 1.15 तीन बार है, क्यूब है तो इनटू इक्वल टू कर लिया तो दो बार का आ गया, और एक बार इक्वल टू कर लिया तो तीन बार का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15,000 कर लिया एंड इक्वल टू करके एम प्लस, एंड लास्ट है मेरा 11,000 डिवाइड बाय 1.15 रेज टू 4, सो अगेन 1 डिवाइड बाय 1.15 इनटू इक्वल टू तो चार बार हो गया, मल्टीप्लाई बाय 11,000 कर लो इक्वल टू एम प्लस, एंड फाइनली व्हेन यू क्लिक ऑन एम आपको आ जाएगा 32,182। ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ये इतने अच्छी तरह से मैंने बनाया है कि आपको फिर मेरी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये PDF देखकर ही कैलकुलेशंस कर पाओगे एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर क्विक कैलकुलेशंस। फिर बाद में आता है मेरा और एक लेवल ऊपर अपन लोग आ जाते हैं, विच इज 4, ध्यान से देखना इसमें, सो विच इज दिस, एक सेकेंड, विच इज 4 इंटू 1.2 रेस टू 1 डिवाइड बाय 1.5 रेस टू 1 प्लस 4 इंटू 1.2 रेस टू 2 डिवाइड बाय 1.5 रेस टू 2 प्लस 4 इंटू 1.2 रेस टू 2 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.15 स्क्वायर, एवरीथिंग ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। मतलब एक खाली ये इतना बड़ा आपको इक्वेशन दिया है, जस्ट जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करोगे यू विल फाइनली गेट द आंसर 104.34। आ जाओ मेरे साथ, सबसे पहले कैन आई से 4 कॉमन है सब में, मैंने आपको पहले भी बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, कुछ कॉमन हो तो उसको साइड पे रख देगा, तो सिंस 4 इज कॉमन कीप इट असाइड, रख दिया सर साइड पे। अब 1.2 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 1.15 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, इक्वल टू एम प्लस हो गया साइड पे। फिर सर 1.2 डिवाइड बाय 1.15 तो कैन आई से ये अभी मेरे को दिख रहा है और एक, सो इनटू इक्वल टू कर दिया तो ये भी मेरा इधर साइड पे एम प्लस पे आ जाएगा। और क्विकर करना है तो 1.2 डिवाइड बाय 1.15 मैंने किया हुआ है इक्वल टू एम प्लस तो ये मेरा साइड पे है। वापस से मैं इनटू इक्वल टू करता हूं तो वो सेम चीज को ले लेगा, मतलब 1.2 डिवाइड बाय 1.15 वापस से भी करने की जरूरत नहीं, उसने ले लिया और इनटू इक्वल टू करके ये दूसरे वाले पे एम प्लस उसने डाल दिया, समझ में आया। फिर अब मैं यहां पे कर रहा हूं अब मेरे को ये वापस से ध्यान से देखना, ये 1.2 स्क्वायर एंड 1.15 स्क्वायर जस्ट पहले वाले में किया था तो वो मेरे मेमोरी में सेव्ड है। अब मैं खाली इधर इधर इनटू 1.1 डिवाइड बाय 0.05 करता हूं, वो मेरा ये पार्ट है 1.1 डिवाइड बाय 0.05 ये एक अलग है तो ये मैंने अलग से कर दिया, डिवाइड बाय 0.05 ये मैंने अलग से कर दिया और इसको इक्वल टू एम प्लस डाल दिया तो अगेन 1.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.15 स्क्वायर वो उसने ऑलरेडी स्टोर करके ही रखा है मेरे हर कैलकुलेशन में। अब मेरे को क्लिक करना है मेमोरी रिकॉल के ऊपर, मेमोरी रिकॉल के बाद एक इनटू 4 मेरा बच गया है, अब मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, आई विल गेट द आंसर 104.34 विच इज अपियरिंग हियर। सो प्लीज इसको भी अच्छी तरह से यूज करो, वापस एक बार बताता हूं मैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और क्रूशियल है। सो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर आप एक कैलकुलेटर के क्लिक्स पे कर पाए, नथिंग लाइक इट। 1.2 डिवाइड बाय 1.15 कर लिया इक्वल टू एम प्लस डाल दिया,
एम प्लस पे वो स्टोर हो गया, वापस से इनटू इक्वल टू एम प्लस किया, तो इनटू इक्वल टू उसने किसको किया 1.2 डिवाइड बाय 1.15 को इनटू इक्वल टू किया, और हमको वही चाहिए, उसने साइड पे रख दिया। अब वो चीज साइड पे रखी हुई है, अब उतना तो चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 डिवाइड बाय 0.05 चाहिए, तो वो उसने साइड पे ले लिया और उसको इक्वल टू एम प्लस कर दिया। फाइनली मेरा मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन में था 4104.34। अब ऐसा कितना भी बड़ा इक्वेशन होने दो, स्टेप आपको इसी तरह से रिपीट करते जाना है। सपोज इधर बीच में और एक आ गया, सही है 1.2 स्क्वायर अपॉन क्यूब 1.2 क्यूब अपॉन 1.15 क्यूब, तो वापस से वही चीज आपको करना है, खाली इनटू इक्वल टू वापस से एक बार इक्वल टू कर लो, तो वो तीन बार वाला सेव हो जाएगा, फिर इनटू इक्वल टू कर दो तो चार बार सेव हो जाएगा, फिर टर्मिनल वैल्यू के लिए वो वाला तो सेम ही रहता है, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, खाली जो इतना ये जो ग्रीन में है ना उतना अलग से आपको करना पड़ेगा। समझ में आया, दैट इज हाउ दिस थिंग इज यूज। फिर बाद में अपना डर्टी पावर, अब 3 raised to 1/5 या 3 raised to 1/5 जो है ना वो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे तो डायरेक्टली कर सकता हूं, बट हमारे एग्जाम में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है, तो इन सच सिचुएशन वी कॉल दिस एज डर्टी पावर। तो यहाँ पे जो बेस है एंड जो पावर है, जो पावर इज 1/5 विच इज नॉट डायरेक्टली डुएबल इन दिस कैलकुलेटर, उसके लिए ये शॉर्टकट बनाया है। तो अपने को सबसे पहले बेस कैलकुलेटर पे टाइप करना है, सर बेस है 3, क्लिक रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, जो भी आया उसमें -1, डिवाइड बाय, अभी सुनना, डिनोमिनेटर इन पावर क्या है 5, समझ रहे तुम लोग, डिनोमिनेटर इन पावर भैया, ये देखो ये 1 डिवाइड बाय 5 है ना, दिस इज बेसिकली डिनोमिनेटर इन पावर, पावर क्या है 1/5, 1/5 का डिनोमिनेटर क्या है 5, तो वो अपन ने डिवाइड बाय 5 किया प्लस 1 एंड फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड यू विल गेट द आंसर 1.24576 8 एज अ राउंडिंग। सो डर्टी पावर वाला अगर हुआ तो जो भी आपका बेस है 3 को आप लोग ने ले लिया उसको 12 बार रूट कर लो, सब्ट्रैक्ट 1 डिवाइड बाय पावर का डिनोमिनेटर, एड 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम, यू विल गेट दिस आंसर। एंड अगर समझो ऐसा फ्रैक्शन नहीं है, 5 raised to 0.3 होल नंबर है, तो भी ये कैलकुलेटर पे तो नहीं कर सकते, सेम चीज वापस से 5 लेने का, 5 को 12 बार रूट करने का, सब्ट्रैक्ट 1, ये तो अपन ने किया भाई है, यहां पे अपन लोग ने क्या था, क्या किया, डिवाइड बाय दैट डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं तो मल्टीप्लाई होगा विद दैट नंबर, मल्टीप्लाइड बाय पावर, तो मैं इधर ये वर्डिंग लिख लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय पावर, सो हियर आई राइट डाउन मल्टीप्लाई इट बाय पावर, एड 1 क्लिक इनटू इक्वल टू 12 टाइम, पूरा सेम प्रोसेस है, खाली यहाँ पे डिवाइड बाय दैट पावर करना है या पावर ऑफ डिनोमिनेटर करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बिकॉज कोई डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, समझ में आ गया। एंड लास्ट मेरा यहाँ पे सेकंड लास्ट कैलकुलेशन है, अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इस पे करना है तो e raised to 0.12 e raised to 0.15, दे कैन आस्क एनीथिंग, तो क्या करोगे, टेक द रेज्ड पावर, तो रेज्ड पावर में क्या है e raised to 0.12, तो आपको लेना है 0.12, तो यहाँ पे मैं लूंगा 0.12 डिवाइड बाय 4096 एड 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर है -1 एंड यू विल गेट द आंसर 0.1275 विच इज नथिंग बट 12.75%। सो e raised to 0.12 इज इक्वल टू 12.75%। इफेक्टिवली ये रहा आपका उसका कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन। एंड लास्ट इज नेचुरल लॉग टू ई, सो रिवर्स कैलकुलेशन, आपको 1.1275 दिया हुआ है, आपको रिवर्स करके उसका एग्जैक्ट रेस टू बताना है, सो जो भी नंबर है डिवाइड बाय 12 टाइम्स -1 into 4096 एंड यू विल गेट द आंसर। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा आपको ये कैलकुलेटर ट्रिक्स, इफ यू लाइक इट डेफिनेटली क्लिक द लाइक बटन, विल बी हेल्पफुल टू यू इन द फ्यूचर एज वेल, और ऐसा कुछ वीडियोस चाहिए हेल्पफुल जो एग्जाम में आपको क्विक रहने के लिए बताए, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, ये पूरा का पूरा चीज आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम बॉक्स पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दिया है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। अस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर।